हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई वी यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल डू वर्कशीट 72 इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट तो इस वर्कशीट में हम ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके ग्रामर सेक्शन में प्रिस्क्राइब टॉपिक्स हैं उनके हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फॉर एनी फोर ऑफ द सिक्स सेंटेंसेस गिवन बिलो आपको जो है इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें ब्लैंक्स दे रखे हैं चार ऑप्शनस हैं आपको पता ही आपको एम सी के ही आएंगे ग्रामर सेक्शन में भी क्वेश्चन तो देखिए फर्स्ट मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है हम मॉडल्स कर चुके हैं पीछे की वर्कशीट्स में तो फर्स्ट है हमारा आई हैव कम्प्लीटिड द कोर्स मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है आपका इंग्लिश का भी जो कोर्स है सिलेबस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो मैंने जो है कोर्स फिनिश कर लिया कंप्लीट कर लिया है आई ब्लैंक बिगिन द रिवीजन नाउ अब आपको पता है ये रिवीजन करने का आपके लिए बहुत ज़रूरी टाइम है तो अब आपको रिवीजन करना चाहिए जनवरी आ जाएगी तो फिर आपको जो है इसमें क्या ज़रूरी है मस्ट है तो ज़रूरी के लिए हम कौन से मॉडल यूज़ करते हैं मस्ट यूज़ करते हैं तो आपको माइंड में वो सारे मॉडल्स के रूल होने चाहिए जितने रूल्स हमने आज तक डिस्कस किए हैं हर मॉडल्स के तभी हम ब्लैंक फिल कर सकते हैं जैसे इसमें फर्स्ट है कैन मे मस्ट और कुड तो इसमें क्या आएगा मस्ट क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे तो रिवीजन करना अब हमारे लिए क्या है मस्ट है जरूरी है तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है मस्ट आई मस्ट बिगिन द रिवीजन नाउ ओके सेकेंड क्वेश्चन इज सू ब्लैंक वरीड अबाउट जोनसीज हेल्थ सू जो है जोन्सी की हेल्थ के बारे में चिंतित थी तो इसमें आएगा वाज सू वाज व रीड ओके okay, स्टूडेंट सू वाज व रीड अबाउट जॉन्सिस हेल्थ ओके okay, स्टोरी हम पढ़ चुके हैं द लास्ट लीफ में सू थी और थी स्टोरी जो है पास्ट टेंस में ही होती है इसलिए आएगा इसमें सू वाज व रीड अबाउट जॉन्सेज हेल्थ ओके थर्ड वन इज कैन ब्लैंक हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन ओके क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन में तो कोई वाली सेंस आएगी मतलब एनी बॉडी या सम बॉडी वाली सेंस आएगी मैनी नहीं आ सकता एवरी बॉडी भी गलत है नो बॉडी गलत है सम बॉडी इज़ करेक्ट वन कैन सम बॉडी हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन क्या कोई मेरी इस क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है ओके सम बॉडी नो बॉडी सच सो एज हम सारे रूल्स जो है डिटेल में कर चुके हैं आप पीछे की वर्कशीट देखिए आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं पीछे की जो वर्कशीट हमने नो बॉडी एवरी बॉडी सम बॉडी सारे रूल्स बता रखे हैं तो वो सारे रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए ग्रामर के रूल ओके फोर्थ क्वेश्चन इज बिंदुज फ्रेंड ब्लैंक राइटिंग इज रोल नंबर इन करेक्टली ऑन द वर्कशीट बिफोर बी नू नोटिस एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम एक तो जब भी ब्लैंक्स होता है वो पूरा सेंटेंस फिर पढ़ना चाहिए उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टेंस है तो आपको फुल सेंटेंस पढ़ना चाहिए जैसे इसमें है बिंदु की फ्रेंड उसने रोल नंबर जो है इनकरेक्ट वर्कशीट पर लिखे थे बिन्ू के नोटिस करने से पहले उसने उसे पॉइंट आउट कर दिया बिन्नू की फ्रेंड जो है वो रोल नंबर लिख रही थी इनकरेक्टली वर्कशीट के ऊपर तो बिन्ू ने नोटिस कर दिया और उसे बताया कि भी गलत रोल नंबर तो इसमें देखो बिनू नोटिस पास में उसमें नोटिस किया इसका मतलब इसमें पास टेंस ही आएगा अब आई एन जी लगा हुआ है तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो इसमें आएगा वाज बिन्नूज फ्रेंड वाज राइटिंग हिज रोल नंबर इन करेक्टली बिन्नू की फ्रेंड रोल नंबर इन लिख रही थी ठीक नहीं लिख रही थी वर्कशीट पर बिन्नू no mm, के नोट बिफोर बिन्नू नोटिस एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम बिन्नू ने नोटिस किया उसको बताया ओके नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन आई रेफर टू ब्लैंक वैरायटी ऑफ रिसोर्स वाइल राइटिंग ब्लैंक आर्टिकल तो ये आपका डिटर्मिनर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है डिटर्मिनर्स में आपको पता है वराइटी आई रेफर टू ए वराइटी व वह जो है वो तो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसमें आएगा ए ए वराइटी ऑफ रिसोर्सिस वाईल राइटिंग एन आर्टिकल आर्टिकल ए से स्टार्ट है तो हमारा एन आएगा वोवल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं उसमें एन आता है डिटरमिनर्स तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओके नेक्स्ट वन इज इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड यदि तुम वास्तव में स्टडी हार्ड की है यू ब्लैंक बी एबल टू आंसर एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन तो इसमें क्या आएगा हमारा वुड आएगा उसने की नहीं अगर की होती रियल में तो उसके से कम से कम सेवेंटी फ़ाइव क्वेश्चन जो है वो कर सकता था सही तो इमेजन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं और जो नेगेटिव वाली होती वो ऐसा नहीं किया तो, तो उसमें हम यूज़ करते हैं वुड ओके स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं चूज द करेक्ट ऑप टू फिल इन द ब्लैक्स टू कम्प्लीट द नैरिसन गीवन बिलो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस्ड क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं चेंज ऑफ नैरिसन के अंदर तो आपको पता है डायलॉग हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं जो फर्स्ट है, जैसे पूनम किस से बात करें कीर्ति से तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया पूनम सेट टू कीर्ति व्हाट इज़ द मैटर तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा देखिए अब इसमें हम नीचे जाएंगे पूनम आस्ट कीर्ति तो ये क्योंकि व्हाट इज़ द मैटर क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेट टू किस में चेंज हो जाता है आस्क में आ जाता है मोह पूनम आस्त की इतना देखो दे रखा है अब आपको व्हाट इज़ द मैटर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो जब डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव वर्ड तो वो वर्ड इट्स एक्ट एज ए कंजंक्शन तो व्हाट आएगा व्हाट के बाद हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं व्हाट के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा व्हाट द मैटर इज किस में चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में इज हमारे चेंज होते हैं वाच भर में तो व्हाट द मैटर वाच ये कौन से ऑप्शन में है देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है ये तो इसका आंसर है हमारा थर्ड ए का है थर्ड आंसर व्हाट द मैटर वॉच अब सेकंड देखिए कीर्ति कीर्ति ने क्या कहा आई डिलीटेड एन ई मेल मैंने एक ई मेल डिलीट कर दी है तो कीर्ति ने रिप्लाई दिया पूनम को तो कीर्ति रिप्लाइड क्या रिप्लाई दिया आई डिलीटेड एन ई मेल तो ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें यूज होगा दैटक्शन के रूप में दैट आएगा दैट दैट के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट अब आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट कीर्ति है तो कीर्ति के स्थान पर प्रोनाउन क्या यूज होगा सी दैट सी अब डिलीटेड क्या है पास्ट इंडेफिनेट टेंस है सेकेंड वर्ग की फॉर्म में ना तो पास्ट इंडेफिनेट है वो किसमें चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में तो टैट सी दैट सी है इसमें देखिए दैट सी डिलीटेड क्योंकि एन ई मेल पहले ही लिखा हुआ है इसमें तो हमें ब्लैंक में क्या आएगा दैट सी हैड डिलीटेड ये देखिए फोर्थ ऑप्शन है ये इसका आंसर दैट सी हैड डिलीटेड अब हम नेक्स्ट करते हैं पूनम ब्लैंक टू दिस कीर्ति रिप्लाईड दैट इट वॉज बाई मिस्टेक अब पूनम के क्या है पूनम ने क्या कहा वाई क्यों वाई डिड यू डिलीटेड एन ई मेल ये कहना चाहती है ना वाई क्यों तो इसमें क्या आएगा ये देखिए पूनम आस्क पूनम ने पूछा ना क्वेश्चन क्या भाई वाई का मतलब पहले वाला सेंटेंस जो है वो क्या है इसमें वही है इसका वाई का मतलब क्या है वाई डिट यू डिलीट एन ई मेल तो हम इसका क्या बनाएंगे अब हम इनडायरेक्ट स्पीच तो पूनम रिप्लाई पूनम आस्क्ड पूनम ने पूछा ना कीर्तिन का भी मैंने ईमेल डिलीट कर दी तो पूनम ने कहा क्यों तो ये भाई जो है इसमें कंप्लीट सेंटेंस क्या है पूनम भाई डिड यू डिलीट एन ईमेल इसका हमें क्या बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच डिलीट डी एल -E ई टी -E डिलीट एन ईमेल ओके स्टूडेंट इसमें शॉर्ट में दे दिया उन्होंने वाई ठीक है क्योंकि तो डायलॉग फॉर्म में तो हम ऐसे कर सकते हैं ना तो इसका क्या बनेगा देखिए वाई वाई के बाद हम पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमारा आता है सिंपल में चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट आता है तो यू का क्या हो जाएगा पूनम क्या है फीमेल है और कीर्ति भी दोनों तो इसमें किसने यू है तो किसके अनुसार चेंज होगी ये ऑब्जेक्ट के अनुसार पूनम सेट टू कीर्ति कीर्ति गर्ल है तो इसके लिए आएगा प्रोनाउन सी वाई सी ये देखिए आस्ट वाई सी अब देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी है ये सेकंड में भी है ये फोर्थ में भी है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब ये डिड है डिड किस में चेंज होगा हमारा हैड में चेंज होगा यस इसमें देखिए आस्क वाई सी हैड यस फोर्थ वन देखिए

वाई डिड यू डिलीट एन ई मेल इसका हमने क्या बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच तो ये होगा आस्क वाई सी है डिलीटेड द मेल तो थर्ड सी का आएगा फोर्थ तो आपकी जो है ग्रहर की काफ़ी प्रैक्टिस होगी इस वर्कशीट में भी और आपको और भी प्रैक्टिस करनी है अब आपकी विंटर वकेशन स्टार्ट हो जाएंगी कोई नहीं हम जो है आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे ग्रहर सेक्शन पर भी और जो आपके चैप्टर्स हैं उसके ऊपर नोट्स ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए क्वेश्चन आंसर Okay student, enjoy the holiday. Thank you for watching this video.